अच्छा, आज ना आपको हम सिखाते हैं कि मी टू लिस्टिंग कैसे की जाती है। मी टू लिस्टिंग है क्या? जब आप प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं, सोर्स कर लेते हैं और इन्वेंट्री आप ऑर्डर करके आपका क्लाइंट परचेज कर लेता है, उस इन्वेंट्री को, उस प्रोडक्ट को आपने अपने अकाउंट के ऊपर लाइव करना होता है सेल करने के लिए, ठीक है? तो देन आप उस प्रोडक्ट को, उसका जो एसन होता है, उसको आप अपने सेलर सेंटर के ऊपर अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं। वो जो लिस्टिंग होती है ना अपने अकाउंट पे करना, उसको मी टू लिस्टिंग बोला जाता है, होलसेल FBA में, ठीक है? अच्छा, अब मी टू लिस्टिंग आपको इसलिए भी आनी चाहिए कि समटाइम अकाउंट जो क्लाइंट होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप हमारे अकाउंट को ए टू जी जो है वो हैंडल करें। उसमें सिर्फ फिर जो इन्वेंट्री का ऑर्डर है वो क्लाइंट खुद करता है, अदरवाइज सारा काम जो है वो आपने करना होता है। प्रोडक्ट को हंट करना, उसको सोर्स करना, देन उसकी इन्वेंट्री को जो है वो उसके अकाउंट के ऊपर लाइव करना, उसकी मीट लिस्टिंग करना, ठीक है? तो इस तरह से आज आप मी टू लिस्टिंग सीखेंगे। एक मिनट बोलना। अच्छा जी, ये देखें, आपका सेलर सेंटर इस तरह से आपको जब उसे लॉग इन करते हैं ना अपने क्लाइंट के सेलर सेंटर को, उसकी आप चाइल्ड एक्सेस लेते हैं। जो क्लाइंट होता है वो अपने सेलर सेंटर की आपको चाइल्ड एक्सेस देता है, ठीक है? उस एक्सेस में आप उसे अपना जीमेल देते हैं। अच्छा, जो एक्सेस होती है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है, तो आपने जब भी अपने क्लाइंट के अकाउंट को ए टू जी हैंडल करना होता है ना, तो आपने उसे एडमिन लेवल की चाइल्ड एक्सेस लेनी है, ठीक है? जिसमें टोटल एक्सेस हो आपका उस अकाउंट के। अच्छा जी, इस तरह से आपको जब सेलर सेंटर को आप लॉग इन करेंगे तो उसका इंटरफेस ऐसे शो होएगा। ये आप देखें कि हमने अपनी शीट से कोई एक एक्शन लिया है, हम अपने शीट से कोई एक एक्शन लेके जा रहे हैं उसको मी टू लिस्ट करने के लिए, ठीक है? ये देखिए, हमने यहाँ से कोई एक एक्शन यहाँ से लिया है, उसको हमने कॉपी करके हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर अब सेल्फ सेंटर पे आके आपने क्या करना, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे ये देखिए, यहाँ पे यहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटलॉग, ठीक है? कैटलॉग पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ऐड प्रोडक्ट का, ये देखिए नीचे, तो आपने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है? देन आप नीचे आएंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे आपने वो जो एक्शन आप शीट से लेके आए हैं मीट लिस्ट करने के लिए, उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ना एक्शन को हमने पुट किया। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि गेटेड किसे कहते हैं और अनगेटेड किसे कहते हैं। अब ये लिस्ट हमने अपना एसन यहाँ पे दे दिया, एसन देने के बाद आपने जब इसे सर्च करवाना है तो ये देखिए, अब इस एसन पे ये वो एसन है, इस एसन पे वो क्या कह रहा है, अप्लाई टू सेल। ये देखिए, अप्लाई टू सेल का उसने मैसेज यहाँ पे सेलर सेंटर ने हमें दे दिया कि अगर इस एसन को आपने अपने इस सेलर सेंटर पे सेल करना है तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, इस चीज को जो क्लाइंट है वो कहते हैं कि जी ये वाली प्रोडक्ट गेटेड है, ओके? अच्छा, अप्लाई में वो क्या मांगता है ये वो आगे जाके बताता है आपको कि ये जो एसन है ये गेटेड है, हमारे अकाउंट के ऊपर ये गेटेड है। इसने इसको कह दिया अप्लाई टू सेल, कि इसको सेल करने के लिए आप पहले अप्लाई करें।
अप्लाई में अब क्या करना पड़ेगा, जरा आप आपको आगे जाके बताते हैं। ये देखिए मतलब क्या कह रहा है कि एक एप्लीकेशन आप दें, सेलिंग एप्लीकेशन, इस एक्शन को सेल करने के लिए, जिसमें क्या हो, यू कैन टेल दिस प्रोडक्ट इज द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कौन कौन सी कंडीशन है कि ये दो कंडीशन है ना यहाँ पे दी है, यहाँ पे जो आप उसके बाद क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट अप्रूवल पे जाएंगे तो देन ये देखें यहाँ पे आपको आगे मैसेज वो दे देगा कौन कौन सी कंडीशंस। वो कह रहा है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है ना आप सबमिट करवाएं, इस एक्शन की एप्लीकेशन जब आपने देनी है तो ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। कौन से ये डॉक्यूमेंट है, एटलीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर द प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। क्या आप इसके मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से इस प्रोडक्ट के एक कम से कम हमें परचेज इनवाइस दें, ठीक है, या हमें क्या दें। अच्छा दूसरे में वो कह रहा है या हमें कम से कम एक लेटर ऑफ अप्रूवल दें इस प्रोडक्ट का, इसके मैन्युफैक्चरर से या इसके डिस्ट्रीब्यूटर। ये है जी दो चीजें जो जो जिसमें से कोई एक वो कह रहा है मुझे दे दे ताकि मैं इस प्रोडक्ट को अनगेट कर दूं और आप इसे सेल कर सकें। ये एक सेलिंग एप्लीकेशन होती है जो आपने देनी होती है, ठीक है। अच्छा अब वो उसके लिए क्या आपसे मांग रहा है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस कौन सा, एलएलसी वाला, वो आपने यहाँ पे देना देना होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपने उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है और ये सबमिट करवा देना आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आ गया है, नेक्स्ट ने आपसे क्या कहा कि या तो मुझे एटलीस्ट एक परचेज इनवाइस तो अपने मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर से, या एक लेटर ऑफ अप्रूवल दो, ठीक है, और ये आपने उसको अपना ईमेल दे दिया, ये आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे के आपने सबमिट कर दिया। देन आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अच्छा अब उसमें क्या कह रहा है कि सबमिट डॉक्यूमेंट्स कौन सा, कि एटलीस्ट एक परचेज इनवाइस हो आपकी प्रोडक्ट की। अच्छा उसमें अब उसने आगे कंडीशंस दी है कि उस परचेज इनवाइस में क्या क्या कुछ हो। अच्छा एक तो वो कह रहा है कि वो 180 डेज से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड कि उस परचेज इनवाइस के ऊपर आपके डिस्ट्रीब्यूटर का या आपके मैन्युफैक्चरर का नेम मेंशन होना चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर का नेम मेंशन हो। थर्ड अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका नेम मैन्युफैक्चर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम मेंशन हो, ठीक है ना, ताकि पता चले कि आपका मैन्युफैक्चरर या आपका डिस्ट्रीब्यूटर ये है। अच्छा जी थर्ड पे वो कह रहा है कि ये जो इनवाइस है फोर्थ, ये कम से कम 10 यूनिट की होनी चाहिए, एक यूनिट की इनवाइस ना हो, ये मिनिमम 10 यूनिट की इनवाइस हो, ओके। और हाँ अगर उसने कहा है कि आप इसके ऊपर अपनी जो प्राइस है प्रोडक्ट की उसको छुपाना चाहते हैं तो वो कोई ऐसी बात नहीं, आप प्रोडक्ट की प्राइस को छुपा सकते हैं। अच्छा ये वो उस इनवाइस की कंडीशन में बता रहा है कि वो इनवाइस इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट वो क्या है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर, अच्छा ये सारे हमने चेक मार्क ऑन कर दिए, ठीक है, हमारी इनवाइस में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब कुछ है, देन आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे आपका ये ईमेल आ जाएगा तो इसको आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से फिर बाद में ना ये आपकी एक रिक्वेस्ट जो है वो अमेज़ॉन को चली जाएगी फॉर द एप्लीकेशन फॉर सेलिंग फॉर दिस प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक एसर के लिए, ठीक है। अच्छा अब हम एक और एसर यहाँ पे लेकर आए हैं और वो हमने यहाँ पुट किया है, इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारे यहाँ लगता है कि नहीं। तो जब हम इसको ये देखिए यहाँ पे हमने ये दिया, इसको हमने सर्च करवाया तो इसके ऊपर ये देखें इसके ऊपर क्या मैसेज आया,
सेल दिस प्रोडक्ट, यानी इसके ऊपर हमने, उसने हमें नहीं कहा कि अप्लाई टू सेल, उसने हमें इस सेशन पे कह दिया कि सेल दिस प्रोडक्ट, कि आप इस प्रोडक्ट को विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट एनी सेलिंग एप्लीकेशन, आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये असर हमारे सेलर सेंटर पे लगता है कि नहीं लगता। इसलिए आपको ये हम बोलते हैं ना कि जब आप अपने स्टैट क्लाइंट को देते हैं तो साथ अपना एसन दिया करें, ताकि वो एसन यहाँ पे मीटो लिस्ट में अपने सेलर सेंटर में, यहाँ कैटलॉग पे आएंगे, कैटलॉग पे एड प्रोडक्ट पे आएंगे और ये एसन लगा के देखेंगे कि यहाँ पे मैसेज क्या आता है। अगर यहाँ पे मैसेज आए अप्लाई टू सेल, तो देन वो आपको बोलेंगे जी कि ये एसन हमारे अकाउंट पे नहीं लग रहा, इसके लिए इनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर यहाँ पे आ जाए सेल दिस प्रोडक्ट, तो वो ये एसन उनके अकाउंट पे लग जाएगा, कोई एप्लीकेशन उनको सेलिंग की नहीं देनी पड़ेगी। अब देखते हैं अब आपके आगे क्या होता है। देखिए अप्लाई टू सेल नहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया सेल दिस प्रोडक्ट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे क्या मैसेज आएगा, ये देखिए। अब उसने आगे आपसे उस एसन की मजीद डिटेल मांगी है, ठीक है। उसने आपसे कोई एप्लीकेशन नहीं मांगी सेलिंग के लिए। अच्छा, उस डिटेल में क्या उसने मांगा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं, अगर तो उस एसन का कोई एसकेयू है तो आप दे दें, अगर एसकेयू नहीं है तो नो इश्यू, आप ना दें, ठीक है, आपको नहीं पता तो। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस, अब आपको पता है कि जिस ब्रांड को या उसकी प्रोडक्ट को जितने भी सेलर सेल कर रहे होते हैं, उस सब ने अपने अपने प्राइजेस रखी हुई होती है। तो हम आपको ये बोलते हैं कि बाय बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा विन करने के लिए सबसे कम प्राइस आपके सब सेलर में से होनी चाहिए, ठीक है, बेशक 20 सेंट ही कम हो। तो यहाँ पे आपने अपनी तमाम सेलर में से मिनिमम प्राइस यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट की मेंशन करनी होती है, ठीक है, यूएसडी में। अच्छी तरह आपने उसकी इन्वेंट्री की क्वांटिटी यहाँ पे नीचे वाले रो में मेंशन करनी है कि कितनी क्वांटिटी है जो आप अमेजोन के वेयर हाउस में इसकी भेज रहे हैं, ठीक है। थर्ड पे आता है कि कंडीशन, ये जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं ये न्यू कंडीशन में है या कि यूज ओल्ड कंडीशन में है। आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर न्यू और यूज दोनों किस्म की अशिया जो है वो सेल होती है। तो यहाँ पे आपने उसकी इस एरो को क्लिक करेंगे ना तो फिर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप उसकी कंडीशन लिखेंगे कि न्यू कंडीशन। अच्छा, देन आप नीचे आएंगे। अच्छा, नीचे आप बाय, ये देखें यहाँ पे आपने इसको ये मेंशन किया, ये करके आप नीचे आ गए। ये देखें आपने यहाँ पे इसकी प्राइस दे दी, कंडीशन दे दी। देन आपका आएगा फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट इसकी आपने क्या करनी है, FBA, ठीक है। तो दो ऑप्शन आएंगे, एक FBM का, एक FBA का, कि अमेजोन फुलफिलमेंट। तो आपने यहाँ पे अमेजोन फुलफिलमेंट करनी है। अमेजोन फुलफिलमेंट करने के बाद आप देन और नीचे आएंगे तो ये वाली डिटेल्स आ जाएंगे, ये आपको देने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इस ड्राफ्ट को चाहे तो सेव कर लें, ठीक है, सेव दिस ड्राफ्ट, यहाँ से सेव हो जाएगा ये ड्राफ्ट, और ये इस तरह से आपकी लिस्टिंग जो है वो फिर शो हो जाएगी आपके अकाउंट पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, अब आप यहाँ से इसको जब चाहें इसको आप लाइव कर सकते हैं अपने इस लिस्टिंग को, ये जो आपने सेव की हुई है, ठीक है, यहाँ से आप इसको लाइव कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके अकाउंट के ऊपर सेव हो गई है, आपकी लिस्ट हो गई, प्रोडक्ट मीटो लिस्ट हो गई और आपने इसको सेव कर दिया है। अब आप इसको जब चाहे यहाँ से लाइव कर सकते हैं, और लाइव करेंगे तो ये अमेजोन के जो बायर पेज है उसके ऊपर आपकी लिस्टिंग शो होने शुरू हो जाएगी। जब बाय बुक्स आपके पास आएगा आपकी लिस्टिंग शो होगी, ठीक है। इस तरह से ये मीटू लिस्ट आप किसी भी प्रोडक्ट को करेंगे। और ये देखें यहाँ पे आप आकर ना इन्वेंट्री पे कैटलॉग के साथ इन्वेंट्री, यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री को क्लिक करके आप अपनी इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं कि जितनी इन्वेंट्री मैंने अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाई है उसमें से अब कितनी वहाँ पड़ी हुई है और कितनी सेल हो गई है, तो कितनी रह गई है, तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, ये वो फीचर्स हैं ऊपर वाले जहाँ से आप अपने सेलर सेंटर को कंट्रोल करते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है, प्राइसिंग से आपको पता चलेगा कि मेरी किस किस लिस्टिंग की, किस किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, ठीक है। ऑर्डरिंग से आपको पता चलेगा कि मुझे किस किस प्रोडक्ट के ऑर्डर आए हुए हैं। कैटलॉग से आप जाके
तो किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, इन्वेंट्री से आप अपने प्रोडक्ट का स्टॉक और इन्वेंट्री चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है वो काम करना था। देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से आपको अपनी लिस्ट की भी प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे शो होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप आकर ना जो लास्ट में सीआल पे एडिट आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी जो सेव की हुई लिस्टिंग है उसको एडिट पे जाके आप लाइव कर सकते हैं। लाइव नहीं करनी तो आप उसको एडिट कर पे जाके वो तो सेव कर सकते हैं। जब सेव कर देंगे तो आपके सेलर सेंटर पर लिस्टिंग सेव हो जाएगी, लाइव नहीं होगी। लेकिन जब आप एडिट पे जाके उसको लाइव कर देंगे तो वो फिर आपके अकाउंट में लाइव हो जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड। इस तरह से आप अपने अपनी मी टू लिस्टिंग जो है वो अकाउंट पे करनी होती है। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो आप कर लें, ये बहुत आसान है। और मी टू लिस्टिंग के जो चार्जेस हैं वो $30 है एक प्रोडक्ट के। अगर आप किसी भी अकाउंट के ऊपर किसी एक प्रोडक्ट के मी टू लिस्ट करके देते हैं तो उसके $30 जो चार्जेस हैं वो मार्केट में चल रहे हैं। तो बड़ा इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। सिर्फ आपके पास सेलर सेंटर की एक्सेस होनी चाहिए, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप करें प्लीज, अदरवाइज कम जी। सिद्धरांश, जो आप कह रही थी कि हम जब प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, उसको हम सोर्स कर लेंगे, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? उसके बाद फिर ऐसे हम उसको अकाउंट के ऊपर लाइव कर देंगे, हम करेंगे या फिर क्लाइंट खुद से कर लेंगे? इसके बाद जो है यहाँ पे अकाउंट पे ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस होता है लास्ट का, इसको बोलते हैं मी टू लिस्टिंग। तो ये होता है, आप जो कंफ्यूज थी कि हमने ये इतना तो कर लिया है, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद ये मोस्टली जो है ना क्लाइंट अपने अकाउंट को खुद ही करते हैं। हाँ, जिसकी ए टू जी आप लोग अकाउंट है मैनेज कर रहे हो, वहां पे फिर आपको ये होता है अकाउंट करने के लिए ना, आपको खुद वहां लिस्ट करनी पड़ती है फिर प्रोडक्ट। तो बस इसके बाद ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो फिर अकाउंट पे ही होते हैं सारा, यहाँ तक का काम होता है आपका अस्सलाम क्लियर है वालेकुम यहाँ मैम, तक? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मैम? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक, आप बताएं? जी मैम, ठीक है, मुझे समझ आ गई है। और डिस्ट्रीब्यूटर फिर क्या करते हैं इसमें? इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं, ये तो मी टू लिस्टिंग आपका काम है करना, या फिर जी क्लाइंट करेंगे या आप करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का तो इसमें कोई काम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर ने तो आपने जब ऑर्डर कर देना है तो आपको इन्वेंटरी भेज देनी है वहां पे, जहाँ पे भी आप उसको कोई एड्रेस देंगे, जो आपकी एलएलसी पे होगा या जो आपके प्रेप सेंटर का होगा, आप उसको वो एड्रेस दे देंगे, उस एड्रेस पे आपकी इन्वेंटरी चली जाएगी। आपकी जब इन्वेंटरी चली जाएगी तो आप अपनी प्रोडक्ट को ऐसे अपने पहले भी कर सकते हैं, ऑर्डर देने पे भी ऐसे लिस्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे अभी कर्सर है, जहाँ पे रेडी टू सेल है, यहाँ पे फिर जब आपकी इन्वेंटरी पहुंच जाए तो आप इसको ओके कर दें यहाँ से। जी मैम। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन किया था कि हमने, आप लोगों में से किसी ने कल पूछा था कि हमने प्रोडक्ट को कैसे, अगर हमने उस मंगवानी हो, सोर्सिंग करनी हो, तो हम उसको कैसे मंगवाएं? आप लोगों में से कल किसने क्वेश्चन किया था शायद? आप लोगों ने किया था या किसी नेक्स्ट बैच के बच्चे ने किया था कि अगर हमने ऑर्डर करना हो प्रोडक्ट का तो हम, शिपमेंट शिपमेंट का मैंने बताया था। आपने किया था, तो फिर वो क्लियर है कि आपने कैसे ऑर्डर करना है या नहीं? नहीं, क्लियर तो नहीं है। कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करके ना तो ऐड टू कार्ट करना इन्हें बता देते हैं कि ऑर्डर कैसे होता है। अगर आपको ऑर्डर करना पड़ जाए किसी क्लाइंट का, तो फिर आपको पता हो कि ऑर्डर आपने कैसे करना है, ये भी आप सीम समझ लें, मुश्किल कोई नहीं है। वहां पे ऐड टू कार्ट लिखा हुआ होता है, आपने ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे आना है। जितने पीस आपका क्लाइंट, आप होता है ऐसे कि क्लाइंट्स कहते हैं कि आप हमें साथ होकर ऑर्डर रिप्लेस करवाएं, तो आपको पता हो। कोई एक वेबसाइट ले लेते हैं हम, ये अच्छे से समझ ले, तकरीबन
19-20 के फर्क के साथ हर वेबसाइट पे एक ही तरीका होता है। जैसे आप ये है पाकिस्तान में जो साइट है सेल परचेज की, क्या उसे कहते हैं दराज, दराज पे आप जैसे अपने कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो तो आप जैसे उसे ऐड टू कार्ट करते हैं, सेम ऐसे यही तरीका होता है यहाँ पे भी, फिर भी आपको बता देते हैं। किसी भी वेबसाइट पे चलते हैं हम, ये लिंक नहीं लगा हुआ है मैम? नहीं लिंक तो नहीं लिया सर ने, कोई वेबसाइट लिंक आपने यहां क्यों लगाया हुआ बेटा? लिंक इरफान कहाँ लगाया हुआ नहीं आपने? सर वो नहीं सर, मैं वो मैम को जो एरियस का ब्रांड उसने कॉपी किया ना, तो डायरेक्ट फॉर्म फिल हो चुका है। मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट वहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट साइट ओपन हो जाएगा। आना खुद ही तैयारी करो, ये कहाँ पे, यहाँ पे ये एक एक तो ये टू आस्क में लेके लगाया हुआ आपने, इसके अलावा किस में लिंक है और यहाँ पे है? व्हाट डज इट मीन में स्क्रीन चेक करें ना, स्क्रीन को देखें, ये वाला लिंक है? जी सर जी। अच्छा, ये किस चीज का लिंक लगाया हुआ आपने? ये तो सर ईमेल ये का एक ब्रांड का ई रिप्लाई आया है, वो बोल रहा है जी, ईमेल है। हाँ जी, ये तो ईमेल है ना? ये देखिए मैं आपको समझाया तो ये क्या ईमेल है, ये सब बच्चे जरा गौर से देख लें इसको। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि हमारा जो है ना आवर मिनिमम ऑर्डर इज $750, कि हमारी जो MOQ है ना, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं MOQ, वो $750 का है। कि आपको जब अपनी फर्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर करनी पड़ेगी वो मिनिमम $750 की होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने सेकंड आपको ऑप्शन क्या बताया अपना, ये देखें, वी कैन शिप टू अमेजोन डायरेक्टली, हम अमेजोन को डायरेक्टली भी शिप करते हैं, आवर इनवाइस आर एक्सेप्टेड बाय अमेजोन, हमारी इनवाइस अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइसेज ऐसी होती हैं कि जो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है या अगर ये ब्रांड इटसेल्फ है तो ये आपको ये बता रहा है कि हमारी जो इनवाइस है अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अच्छा, योर एक्चुअल कॉस्ट इज इन कॉलम ई एंड इन कॉलम एफ इफ वी हैव इट ऑन स्पेशल। अब ये जो आपको कैटलॉग इन्होंने को भेजी होगी ना, उसमें जो कॉलम ई और एफ के अंदर कोई जो स्पेशल इन्होंने कोई कॉस्ट मेंशन की हुई है, ये वो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इफ यू कैन परचेज ओवर 2000 एट अ टाइम आई माइट बी एबल टू ऑफर यू एन एडिशनल डिस्काउंट। तो कह रहे हैं कि अगर आप 2000 से ऊपर की, $2000 से ऊपर की हमसे इन्वेंट्री बाय करेंगे तो हम आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। एडिशनल डिस्काउंट में फिर ये जो हो जाता है ना कि जब हम उनसे बार्गेन करते हैं कि सर हमने इतनी इन्वेंट्री जो है वो आपसे बाय करनी है तो आप हमें पर यूनिट प्राइस जो है वो कम करें, तो फिर आपको पर यूनिट प्राइस कम करते हैं। एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है या ये ब्रांड है, जो भी है ये उसकी तरफ से मेल है, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है ये, और ये फिर उन्होंने अपना आपको ईमेल दिया हुआ है कि आप इसके ऊपर रिप्लाई करें हमसे होलसेल अकाउंट ओपन करवाने के लिए, ठीक है। तो इनके साथ आप इस ब्रांड को या इस डिस्ट्रीब्यूटर को या जो कोई भी है जिनकी तरफ से मेल आई है, इनको आप अपने शीट में जो है वो नोट डाउन करें
और यहाँ पर आप अपने अकाउंट जो आपका क्लाइंट होगा ना उसकी एलएलसी से जब आप मेल करेंगे तो आपको यहाँ से अप्रूवल आएगा, और ये एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। ओके अच्छा, अब हम जी सर, कोई एक और क्वेश्चन था। मिनट बेटा, अब आप ना, मैं यहाँ से चलें बेटा, आपको ना पहले वो बता दें कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अगर आपको क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करने का कह रहे हैं या एंट्री आपको दे, खुद करना पड़े तो आपने कैसे करना है? ये एंडी ब्रांड का हम डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लेते हैं यहाँ से, एंडी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इसको ओपन करते हैं। एक बास्केटबॉल शूज, इसको ओपन कर लेते हैं, फ्लाई लीडर, इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है एंडी ब्रांड के, ये हम ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इनके ऊपर अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्री शिपिंग एंड रिटर्न ऑर्डर। आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है उसकी अपनी एलएलसी के थ्रू, तो आप यहाँ से जाकर क्रिएट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप अपना एलएलसी वाला ईमेल देंगे, नहीं यहाँ पे नहीं, ये देखिए नीचे आप आएंगे क्रिएट वन पे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे ना तो आपको यूजर और पासवर्ड दे देगा, देन आप यहाँ लगा के उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास प्राइस लिस्ट शो होगी और आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हम क्रिएट वन पे आएंगे, यहाँ पे एलएलसी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। अच्छा जी, वो हम जहाँ से देखते हैं, ईमेल ड्राफ्ट में अगर बचा पड़ा है, ईमेल ड्राफ्ट में यहाँ से ले लेते हैं, ईमेल ड्राफ्ट। नेम क्या है? मोहम्मद साकिर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसका ईमेल देंगे, ईमेल इसका क्या है? सेल्स। अब इस ईमेल का आपके पास ना एक्सेस होनी चाहिए, एक्सेस से मुराद कि इसका पासवर्ड आपको पता हो, ओके, ताकि यहाँ पे जब मेल आए तो आप उसको फॉलो अप उसका कर सकें। तो जब आपने ईमेल दे दिया, पासवर्ड आप अपना खुद रखेंगे, ठीक है ना? ये क्रिएट अकाउंट पर हम जाएंगे, ये देखिए, अब ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस जो है उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, एड्रेस, ऐड ए न्यू एड्रेस, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर एड्रेस देना चाहें आप दे सकते हैं, और एलएलसी वाला ही आप देंगे ताकि आपको शिपमेंट आसान हो जाए। कोई ऑर्डर आपका है तो वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है, लॉग आउट भी आप यहाँ से हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मेंस किड्स, हम चले मेंस पे ही जाकर देखते हैं क्या है।
बास्केटबॉल शूज यही देख लेते हैं, देखिए इस तरह से अब आपके आगे प्रोडक्ट शो होंगे ठीक ना, और साथ उनकी प्राइसेस शो होंगी। देखिए आफ्टर लॉग इन योर अकाउंट, जब आप अपने अकाउंट पे लॉग इन हो जाएंगे, तो अब हम अपने अकाउंट पे बना के लॉग इन है, और नाउ ये जो हमारी LLC है ये एलिजिबल है इस डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करने के लिए, अब वो इस पे परचेज कर सकती है, यही अप्रूवल होता है, ऐसे ही अप्रूवल लिया जाता है। अच्छा फॉर कल ये भी क्वेश्चन था किसी बच्चे का कि कई वेबसाइट्स जो हैं वो प्राइस शो नहीं करती, तो देखें अकाउंट आपके सामने क्रिएट कर लिया उसी LLC पे, देखें सारी प्राइस जो है वो शो हो जाएंगी, कहाँ ऐसे ही आप ऑर्डर कर दें। फॉर एग्जाम्पल ये वाला शू है, हम इसको क्लिक करते हैं ठीक है। अब ये देखें, ये वो बता रहा है कि इसमें जो साइजेस हैं वो जो साइजेस अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, तो इसमें कोई साइज अवेलेबल नहीं है। इस कलर में चेक करते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, जिनकी जो वाला आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा हम ये वाला चेक कर लेते हैं, तो ये भी देखिए नॉट अवेलेबल, नोटिफाई भी देन। सर ये अकाउंट ब्रांड में बनाया है या अमेज़न में बनाया है? देखिए ना बेटा, मैं यहां से गया हूँ गूगल पे, ये देखिए मैंने गूगल पे क्या लिखा है, ये देखिए ये LD है, जी ये ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम मैंने कहाँ से लिया, ये आपकी शीट से लिया, शीट से मैंने एक ब्रांड उठाया LD ठीक है, उस ब्रांड को मैं लेकर गया हूँ गूगल के ऊपर, और मैंने जिसके साथ लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटर इन US, इसको मैंने सर्च करवाया तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ओपन हो गए, इसमें से मैंने एक ये वाला ओपन किया है, एक ये ओपन किया है, एक ये वाला ओपन किया है, इसके ऊपर हमने अकाउंट बनाया, ये वाला है, ये वाला, इसके ऊपर हमने अकाउंट जी बना सर, लिया, राइट कॉर्नर के ऊपर ना इसका अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होता है, ये वाला होता है अकाउंट का ऑप्शन, ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे जाके हमने जस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे अकाउंट बना लिया LLC के थ्रू, तो आपके पास प्राइस भी शो हो गई, प्रोडक्ट भी शो हो गई। अच्छा यहीं पे अभी ये तो अब हम अनअवेलेबल कोई है ना। ऐसा ऐसा देख लें जो इन स्टॉक हो, ताकि हम उसको ऑर्डर करना आपको बता दें। अब इसमें 10 नंबर आई थिंक अवेलेबल है, ये ये देखिए देखें इसमें ये है, अब 10 नंबर अवेलेबल है, उसने क्या दे दिया ऐड टू कार्ट, क्या प्राइस है इसकी $60। अब अगर यही वाला शू अमेजोन पे $120 या $100 में सेल हो रहा हो तो एक अच्छी प्रोडक्ट है आपके लिए। अच्छा तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है आपकी, तो आपने ऑर्डर कैसे करना है, पहले तो ये माइंड में रखे कि ऑर्डर अकाउंट बनाने के बाद होना है, लॉग इन करने के बाद होगा ऑर्डर, जब आप उस वेबसाइट पे अकाउंट से लॉग इन हो जाएंगे। अब हम लॉग इन हुए हुए हैं ना, ये देखें यहाँ से आप ये आए, इसको क्लिक करें तो ये हमारा लॉग आउट ऑप्शन आ रहा है, अगर हम यहाँ से कर देंगे तो हमारा अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। ये मोहम्मद बाकिर साहब का अकाउंट है, यूनाइटेड स्टेट इनका एड्रेस है, और एड्रेस हम अगर एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ये वो एड्रेस होता है जिसके ऊपर आपकी शिपमेंट होनी होती है, अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अच्छा ये अब आप आगे ये देखिए, आपने यहाँ पे आके जिसको जस्ट ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो आपसे यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है कि आपने कितने पेयर जो है वो ऑर्डर करने हैं, तो अमेजोन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ना वो मिनिमम 10 ऑर्डर की क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर करनी होती है, तो हम यहाँ पे इसको बताते हैं कि हमने 10 जो है वो 20, देखिए जैसे जैसे हम इसके क्वांटिटी इंक्रीज करी जा रहे हैं, अब इनके पास 4 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4 से आगे नहीं हो रहे, इनके पास स्टॉक में ओनली 4 पेयर ही पड़े हुए हैं ठीक है, तो 4 का नीचे ये प्राइस बन गई है। चले फॉर एग्जाम्पल हमने ये 4 ही करने, अगर आपने ये रिमूव करना है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, 10 करने के लिए आपने इसको यहाँ पे 10 का फिगर ले आना है, 10 का लाएंगे तो यहाँ पे नीचे प्राइस 10 की आ जाएगी ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास 4 ही है अवेलेबल, तो 4 ही आए, आगे नहीं हो रहे, तो अब हम इसको चेकआउट करेंगे। अब चेकआउट पे ये हमसे डिटेल मांगेगा, ये देखें अब अपनी ये यहाँ पे इसने अब आपसे डिटेल मांग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कह रहा है कि अपना शिपिंग एड्रेस मुझे दे, बाकी सब कि हमने ये किस एड्रेस पे आपको शिपमेंट करनी है,
तो यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट से पूछ के एड्रेस देना पड़ेगा कि सर ये जो आपका एलएलसी वाला एड्रेस है यही आपका शिपमेंट एड्रेस है, ठीक है? अगर नहीं तो आप मुझे अपना शिपमेंट एड्रेस दे। अगर तो उन्होंने इसको कोई प्रेप से कुछ करवाना होगा, कुछ चेंजिंग वगैरह या पैक ऑफ इसके करवाने हैं या कुछ तरह का काम करवाना है, तो देन वो आपको प्रेप का एड्रेस यहाँ पे देंगे, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है? ओके अच्छा, यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है कि जो सा भी कार्ड आपने यहाँ पे यूज करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस कार्ड की इंफॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट से दिलवाएंगे। तो इसलिए ये जो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर होता है ना, ये अमूमन क्लाइंट खुद ही करता होता है, क्योंकि उसने अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन आपको तो नहीं अपना डाटा देना होता, तो वो कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप करनी पड़ती है जब आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो इसलिए अमूमन जो क्लाइंट होते हैं वो अपना ऑर्डर खुद ही प्लेस करते होते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, प्रोडक्ट हंट करनी है, उसका सोर्सिंग लिंक देना है और उस